नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर्स की वीडियो में। और ये वीडियो डेडिकेटेड है जो एशियन गेम्स अभी फिनिश हुए हैं उसके ऊपर। मैंने बोला था कि एशियन गेम्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए कंप्लीट वीडियो के रूप में, इसीलिए मैंने डेली करंट अफेयर्स में कभी एशियन गेम्स को यूज़ कम ही किया, ना के बराबर किया। अब देखिए, इस बोर्ड से श्योर शॉट क्वेश्चन आएंगे और आने वाले दिसंबर तक के परीक्षाओं के लिए ये बोर्ड इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से कोशिश करेंगे और काफ़ी सारा मटेरियल है, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है वो मैंने छांटी हैं। एशियन गेम्स से बहुत डेटा आ सकता है लेकिन इससे बाहर शायद ही आएगा। चलिए, एशियन गेम्स स्टार्ट हुए 18 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच में। 18 अगस्त को शुरुआत हुई इसकी और इसकी जो टॉर्च की स्टार्टिंग थी वो 15 जुलाई से हो गई थी दिल्ली से। आपको पता है ना, कुछ समय पहले ही इसकी टॉर्च रिले चलने लगती है अलग अलग देशों से होते हुए। तो जो इसकी इसका जो टॉर्च एनलाइटमेंट हुआ था ये इंडिया से हुआ था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली से। और उसके बाद जाके ये 18 अगस्त को ये यहाँ पे ऑफिशियली ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये हुआ था जकार्ता और पैलेमबांग। पहली बार ऐसा मौका है जो दो स्थानों पे एशियन गेम्स हुए। ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और ये पैलेमबांग सुमात्रा के क्षेत्र में पड़ता है। 11,500 के करीब प्लेयरों ने हिस्सा लिया, 11,000 प्लस लोग हम बोल सकते हैं। 45 देश इसमें शामिल थे और करीब 40 अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, जिसमें कि 10 नए खेल शामिल हुए थे। ये 10 नए खेल हैं, ये रॉक क्लाइंबिंग, रोलर स्पोर्ट, बास्केटबॉल, ब्रिज, पैराग्लाइडिंग, साम्बो, जुजुत्सु, जेट स्कीइंग, कुराश और पैनकेक सिलेट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यू खराब वाला बन जाएगा। अब ये सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ओलंपिक के बाद ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ना, कॉमनवेल्थ से छोटा ही होता है। अब इसमें देखिए, इसका लकी मस्कर शुभांकर आता है। इसमें तीन चीज़ें शुभांकर बनी थी, एक चिड़िया, एक रिनोसोरस और एक हिरण, इसलिए इसको भिन्न भिन्न काका अटूम के नाम से जाना गया। तीन का ये क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, भिन्न भिन्न स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ काका को मतलब कि जो रिनोसोरस है और अटूम जो डियर है, स्पीड है ना, हिरण स्पीड डिनोट कर रहा है, रिनोसोरस मजबूती डिनोट कर रहा है और बर्ड स्ट्रेटजी डिनोट कर रही है। तो भिन्न भिन्न काका अटूम ये इसका शुभांकर लकी मस्कट। इसकी जो टॉर्च जो बोलते हैं ना कि ज्वाला जो प्रज्वलित करते हैं कि ऑफिशियली भाई स्टार्ट हो गया है ना, टॉर्च बेरर जो टॉर्च लाइटर जो होते हैं वो थी सुशी सुशांति। ये रिटायर्ड इंडोनेशियन बहुत जबरदस्त बैडमिंटन प्लेयर हैं और उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। अब देखिए, अब हम इसमें मुद्दे के रूप में आते हैं मेडल टैली के ऊपर। मेडल टैली में चाइना हमेशा से ऊपर रहता है, चाइना के 133 गोल्ड। इंडिया के मेडल अगर छोड़ दें तो बाकियों के गोल्ड ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चाइना के 133 गोल्ड थे, टोटल मेडल 289। जापान के 75 गोल्ड थे, टोटल मेडल 205। साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे था 49 गोल्ड के साथ 177 मेडल। ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। अब एक मेजबान हो गया इंडोनेशिया और लकीली इंडोनेशिया चौथे नंबर पे आ भी गया 31 गोल्ड के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, केवीएस में क्वेश्चन आया था, ब्राजील का ही पूछ लिया था ओलंपिक में। ठीक है, तो 31 गोल्ड इंडोनेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के कुछ फैक्ट आपको पकड़ के रखने पड़ेंगे। टोटल मेडल जीते 98। अब हम देखते हैं इसकी तरफ। इसमें सबसे यंगेस्ट जो पार्टिसिपेंट था वो कौन था, ये कभी क्वेश्चन आ जाता है। यंगेस्ट पार्टिसिपेंट पूरे इस एशियन गेम्स में वो है अलीका नोवेरी। कौन है? अलीका नोवेरी। अब ये है बच्चा 9 साल का जो कि स्केट्स बोर्ड के इवेंट में इसने हिस्सा लिया था, उनसे मात्र 9 साल का, और ये इंडोनेशिया का है, आप ध्यान लगा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ना, होम ग्राउंड। उसके बाद सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिसने मेडल जीता वो है 12 वर्ष का खिलाड़ी बुंगा निमास, ये भी इंडोनेशिया का, ये ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। अब यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं, इंडोनेशिया लगा हुआ, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया की पोजीशन जी थी 8वीं थी जी मेडल टैली में, कौन सी थी? 8वीं। और भारत ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है 69 मेडल के साथ। ठीक है, इसमें इंचियन जो गेम्स हुए थे उसको भी पीछे छोड़ते हैं। भारत का अब तक का सर्वकालिक सबसे जोरदार परफॉर्मेंस है जिसमें इंडिया ने 15 गोल्ड जीते हैं, अपने 13 गोल्ड के इसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। अब देखिए, इसमें हमारी सारी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट होती हैं। करीब 572 लोगों का हमारा दल था, जिसमें से पूरा दल था जिसमें 36 स्पोर्ट्स में हम लोगों ने क्या कहते हैं हिस्सा लिया। हमारे ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रोवर है और जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था और अभी इसमें भी गोल्ड मेडल जीता 36 सालों के बाद। भाला फेंक में या जेवलिन थ्रो में कोई इंडियन जिसने गोल्ड मेडल जीता हो। उसके बाद
क्लोजिंग सेरेमनी जो कि आज हुई, क्लोजिंग सेरेमनी रानी रामपाल ने जो हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, तो दोनों को क्लियर करना है। हॉकी भी इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि इतिहास में पहली बार भारत ने सिल्वर मेडल जीता है हॉकी में। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। और मैक्सिमम मेडल भारत ने किस में जीते हैं, एथलेटिक्स में जीते हैं 19, ये बड़ा ट्रेमेंडस है, 19 मेडल जीते हैं। और भारत का पहला मेडल जिताया रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने, रवि कुमार अपूर्वी चंदेला जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका शूटिंग में था। अब हम अगर आते हैं कि गोल्ड में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में, गोल्ड का पहला गोल्ड हमारा इस एशियन चैंपियनशिप का जीता बजरंग पुनिया जो कि हरियाणा के हैं, बहुत ही जोरदार प्लेयर और बहुत ही बड़े फिगर है ये, और इन्होंने गोल्ड जीता पहला, है ना, पहला मेडल इधर से निकला, पहला गोल्ड इधर से निकला। उसके बाद दूसरा नाम लिखा विनेश फोकाट का जो कि पहली भारतीय रेसलर है महिला जिन्होंने कि गोल्ड जीता है, और 49 किलो के कैटेगरी में पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी है जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड निकाला है। उसके बाद भारत की ओर से सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में सौरभ चौधरी शूटिंग में 10 मीटर में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गोल्ड मेडल लेता है, पहले भारतीय जिसने 16 वर्ष मतलब इतनी कम एज में गोल्ड जीता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे कम उम्र में गोल्ड इस बार भारत की तरफ से शार्दुल विहान ने जीता है, ठीक है, और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, ये 15 साल के हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में ही, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा सौरभ चौधरी पे ध्यान रखिएगा, गोल्ड जीता है सबसे कम उम्र का, लेकिन ओवरऑल सबसे कम उम्र शार्दुल का है। उसके बाद रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने गोल्ड जीता टेनिस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रानी सरनोबत पहली भारतीय महिला है जिसने शूटिंग में गोल्ड जीता है, अब अपनी इस कैटेगरी में, वो कैटेगरी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर गोल्ड जीता है, हरियाणा के हैं, इंपॉर्टेंट है, जो बड़े फिगर है ना इनका आ सकता है, जैसे बजरंग पुनिया हरियाणा, विनेश फोकाट हरियाणा, सौरभ चौधरी यूपी, शार्दुल यूपी, दिविज शरण दिल्ली के, रोहन बोपन्ना बैंगलोर कर्नाटक, रानी सरनोबत का मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, नीरज चोपड़ा हरियाणा, ठीक है। इसके बाद अरविंदर सिंह, मनजीत सिंह और जिंसी जॉनसन ने गोल्ड मेडल जीते अपने अपने इवेंट में, मनजीत ने 800 मीटर में, जिंसी जॉनसन ने 1500 मीटर में, ठीक है, और जिंसी जॉनसन ने 800 मीटर में सिल्वर भी जीता था। अब इसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम आता है स्वप्ना वर्मन, स्वप्ना वर्मन जो कि न्यू जलपाईगुड़ी की खिलाड़ी थी जिनकी दोनों पैर पर 6-6 उंगलियां, और बहुत बड़ा अभी मीडिया में इनका काफ़ी नाम आया क्योंकि एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आके इन्होंने ये मेडल जीता है हेप्टाथलोन में, जिसमें 7 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग खेल होते हैं उनमें, और ओवरऑल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्वप्ना वर्मन ने, और ज़बरदस्त एक्टिविटी है हेप्टाथलोन की, और स्वप्ना वर्मन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके बाद वुमेंस के रिले में 4x400 जो 1600 मीटर की होती है, 4 लोग दौड़ते हैं 400, उसमें गोल्ड जीता है। फिर अमित पंगल जो सेकंड लास्ट दिन, आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अमित पंगल जो कि इंडियन आर्मी से संबंधित है और हरियाणा से आते हैं, इन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। अब देखिए इसमें जो इनका गोल्ड है ये आया है ओलंपिक चैंपियन के अगेंस्ट, हसन बॉय, उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हसन बॉय समथिंग था, ओलंपिक चैंपियन को हरा के ये गोल्ड जीता है, इसलिए ये बहुत कंसेक्यूटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है अमित पंगल हरियाणा के, ठीक है जी। अभी देखिए कबड्डी टीम अगर देखें तो कबड्डी में पुरुष वर्ग में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, और महिला वर्ग में इंडिया ने सिल्वर जीता है, पुरुष वर्ग में ईरान ने गोल्ड जीता है। हॉकी में पुरुष वर्ग में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है और वुमेन्स में सिल्वर जीता है, दोनों दोनों को ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। इस हॉकी दोनों में ब्रॉन्ज और सिल्वर, इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। फिर एक नया जो खेल है कुराश, उसमें पिंकी बलहारा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये भी आ सकता है क्योंकि नए खेल में जीता है ये। फिर अंकिता रैना सानिया मिर्जा के बाद दूसरी महिला जिन्होंने कोई मेडल जीता है वुमेन्स टेनिस में, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, ठीक है। फिर दुष्यंत चौहान जो कि हरियाणा से आते हैं नौकायन में, पहले भारतीय है जिन्होंने कोई मेडल जीता, और वो था टीम इवेंट में नहीं सिंगल इवेंट में, और वो है नौकायन में ब्रॉन्ज मेडल दुष्यंत चौहान, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद जो जो चीज़ें मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने सारी बता दी हैं, और जो कुछ चीज़ें छूटेंगी अगर मुझे लगा तो शायद इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में और बना दूँ, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच।